नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है बिहार के इस वक्त के 10 सुपर फास्ट खबरों की। बलुआ जी, गुरु जी, इस संसार में सबसे सच्चा इंसान कौन है? गुरु जी, पान वाला। वो कैसे? क्योंकि वह हमसे पूछ कर चूना लगाता, बाकी तो सब साले बिना पूछे चूना लगा देते हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय द टॉकी ऐप। यहाँ पर आप घर बैठे मनोरंजन के साथ पैसे कमा सकते हैं। ये टिकटॉक जैसा ही द टॉकी ऐप है। इसे डाउनलोड करें, वीडियो बनाएं या शेयर करके पैसे कमाएं। तो डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। बिहार में जेजेई मेन की परीक्षा 7 शहरों में होगी। परीक्षा से संबंधित जानकारी सभी शहरों के केंद्राधीक्षक को भेजी जा चुकी है। परीक्षा 1 से 6 सितंबर को आयोजित होनी है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिहार के 7 शहरों में 43 सेंटर बनाए हैं। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 19,259 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 253 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अररिया में 101, बेगूसराय में 89, भागलपुर में 102, पूर्णिया में 100 और सहरसा में 112 नए मरीज मिले हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 94 अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। ये बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव स्तर के साथ मूल कोटि के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न पदों पर तैनात थे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी, जदयू के बाद अब कांग्रेस ने भी आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में वर्चुअल रैली का फैसला लिया है। पार्टी 1 सितंबर से सूबे में वर्चुअल रैली आयोजित करने जा रही है। माना जा रहा है कि इन रैलियों के जरिए कांग्रेस आम लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना काल में नागरिकों को अपने दायित्वों का एहसास है। यही वजह है कि हर तरह के उत्सव में लोग संयम बरत रहे हैं। इस दौरान पर्व और पर्यावरण के बीच गहरे नाते की भी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने प्राकृतिक रक्षा के लिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में थारू आदिवासी समाज की ओर से मनाए जाने वाले वरना त्योहार का भी जिक्र किया। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने एक बार फिर से निशाने पर तीर लगाया है। जेडीयू ने आरजेडी के कुनबे में एक बार फिर से सोंधमारी करते हुए लालू यादव के करीबी हर्षवर्धन को अपने खेमे में कर लिया। इसके अलावा बिहार के पूर्व डीजी रह चुके आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार ने भी अपने राजनीतिक पारी जेडीयू से शुरू की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रांची में मुलाकात के 2 दिनों के बाद तेज प्रताप यादव के घर डिनर के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव। इस दौरान उनके जीजा और परिवार के कई अन्य सदस्य भी साथ में दिखे। दरअसल 2 दिन पहले ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चारा घोटाला मामले में रांची में सजा काट रहे अपने पिता लालू यादव से मिले थे और पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर थी कि लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वरीय राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर एक लोटा पानी वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए तलब किया है। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर विवाद और गैर जरूरी बयान से दूर रहने की भी सलाह तेज प्रताप यादव को दी और सीट बंटवारे समेत कई मुद्दे पर बातचीत की। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच जारी है। इस मामले में अब तक सुशांत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसी ने इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान रिया को सीबीआई के कई तीखे सवालों से गुजरना पड़ा है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से लगातार 2 दिनों तक सीबीआई ने पूछताछ की है। शनिवार को उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में महिला स्वास्थ्यकर्मी ने राज्य सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास में घुसकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कई वर्षों से आरएएनएम की बहाली नहीं कर रही है, जो कि गलत है। सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौर में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे अगले सप्ताह से दानापुर मंडल में 3 जोड़ी सवारी गाड़ियों का परिचालन करने जा रहा है। जोनल मुख्यालय स्तर से राज्य सरकार से सवारी गाड़ी चलाने की अनुमति मांगी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले माह के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार से सहमति मिल जाएगी और पहले चरण में पटना से बक्सर, पटना गया रेलखंड पर सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो सकता है। तो ये थी बिहार के इस वक्त की 10 सुपर फास्ट खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ अब बिहार की खबरों से भी आप रह सकें अपडेट।